हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राम राम सभी भाइयों को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए रुक ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है 16 तारीख और अभी जो समय की बात करें तो भाई 10:30 का हो रहा है। तो आज लेट निकलने की वजह ये है कि भाई आज मेरे पास अपना प्राइवेट बुकिंग है, लोकल में ही है, बाहर नहीं जाना। घर के पास ही है, 3-4 लेडीज़ हैं जिनको इस्कॉन टेम्पल लेके जाना है, कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ जाना है। तकरीबन 11 बजे जाना है और 2 या 3 बजे की वापसी है। तो घर से मेरे तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है, 50 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो कस्टमर से क्या फेयर चार्ज किया, जो कुछ भी है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में, फेयर जो भी है वो एंड में बताऊँगा, और जो इतना समय है वो कैसा जाने वाला है वो भी सब आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो अब गाड़ी मैंने अभी स्टार्ट कर रखी है, कोल्ड स्टार्ट पर लगा रखी है, 10-15 मिनट गाड़ी स्टार्ट रहे, उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा गाड़ी का नॉर्मल में आता है, क्योंकि एक बार इंजन में पूरा ही तेल एक बार घूम जाए, कम से कम गाड़ी को 3 मिनट या 5 मिनट स्टार्ट करके छोड़ देनी चाहिए सुबह, जैसे होगा उसके बाद कस्टमर को पिक करने के लिए निकल जाएंगे और फिर सीधा चलेंगे इस्कॉन टेम्पल। बाकी की बातें आपसे वहीं पहुँच कर होगी। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया, जल्दी से चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम अंकित, आप देख रहे हैं अंकित सिंह ब्लॉग 2.0। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, कैसे हैं? तो मैंने आपको बताया था आज मैं इस्कॉन टेम्पल आ रहा हूँ, तो फाइनली मैं इस्कॉन टेम्पल पहुँच चुका हूँ। आप ये पीछे देख सकते हैं भाई, कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये इस्कॉन टेम्पल मेन गेट है मंदिर का, सामने पीछे आप देख सकते हैं। अभी हम भी अंदर जाएंगे माथा टेकने, और जिन सवारियों को मैं लेके आए वो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। तो मैंने कहा चलो आया हूँ तो मैं भी माथा टेक लेता हूँ, क्योंकि किस्मत वाले ही हैं जो भगवान के दर पे आते हैं। और हमारे लल्ला कृष्ण भगवान जी, जिनके आज हम दर्शन करेंगे, क्योंकि जिनके किस्मत में होना जाना और जिनका मन साफ हो, वो खुद ब खुद अपने भक्तों को बुला ही लेते हैं किसी ना किसी बहाने से। तो सवारी लेके आए थे तो इसी बहाने उन्होंने आज हमें, मुझे भी बुला लिया सवारियों के साथ साथ, हम भी दर्शन कर लेते हैं, माथा टेक लेते हैं। और कोशिश करूँगा कि मैं आपको अंदर का थोड़ा व्यू भी दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि अंदर कैमरा चलाने के लिए मना तो किया हुआ है, फिर भी कोशिश करूँगा आपको अंदर का थोड़ा व्यू दिखाऊँ। तो चलता हूँ अंदर, माथा टेकता हूँ, आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, बाकी की जो अपडेट वो मैं आपको माथा टेकने के बाद करूँगा। कैसे हैं? तो भाई मंदिर से मत्था टेक कर, भगवान के दर से मत्था टेक कर हम बाहर आ चुके हैं, और जितना हो सकता था मैंने आपको अंदर का व्यू दिखाया, कितना ही खूबसूरत था, कितने अच्छा था। तो आप लोगों भी दर्शन कर लिए होंगे हमारे कृष्ण भगवान जी के और राधा रानी के, तो जितना कवर कर सकता था भाई किया, क्योंकि भाई जैसे आपको मैंने बताई थी अंदर एंटर होने से पहले कि अंदर भाई क्या कहते हैं अपना फ़ोटो खींचना मना है, पर फिर भी मैंने वीडियो बना ली जितनी बना सकता था। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था अंदर का, और अब मैं बाहर आ चुका हूँ। ये थोड़ा मंदिर के साइड में जगह बनी है खुली डुली, यहाँ पे शाम के टाइम लोग आके बैठते हैं, और उधर मेरे सामने ही थोड़ा सा छोटा सा वो बना हुआ है, गाय वगैरह को रखा हुआ है। आपको पता ही हमारे कृष्ण भगवान जी को गाय वगैरह कितनी पसंद थी, तो वो जगह भी बनी हुई है यहाँ पर साइड में ही। और जो हमारे पैसेंजर हैं वो भाई अभी अंदर ही हैं, जिनको मैं लेकर आया हूँ। अब देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगाते हैं, उन्होंने 2 घंटे बोला था, 1 घंटे के आसपास होने वाला टाइम। जितनी देर बैठेंगे कोई इशू नहीं है, वेट करेंगे जब तक हम यहाँ घूमें फिरेंगे, आपको दिखा ही रहा हूँ ये पीछे का सारा नज़ारा कैसा, कितना ही खूबसूरत है। तो अब आपके मन में डाउट होगा मैं यहाँ आया, राइड तो छोटी सी है भाई, 2-3 4 घंटे की है, पर आप ये सोचो कि मैंने कस्टमर से क्या फेयर चार्ज किया। सुबह मैंने आपको ये तो बता दिया था कि गाड़ी मेरी 50 किलोमीटर चलेगी अप एंड डाउन, और मेरे घर के पास की थी सवारी जिनको मैं लेके आया हूँ। तो इन 4 घंटों में फेयर क्या चार्ज किया वो तो मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊंगा, वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखें। भले ये व्लॉग छोटा रहेगा पर
मैंने आपको बताया कि अगर मैं कहीं भी जाऊंगा अपनी लाइफ के छोटे या बुरे अच्छे हर पल आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है भाई। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अगर अच्छा या बुरा लगता है तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ज़रूर, या इंस्टाग्राम की आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। चलो वेट करते हैं सवारी की कितनी देर में आती है, और लेके उनको निकलेंगे वापस उनके घर ड्रॉप करके, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा भाई कि मैंने क्या फेयर चार्ज किया और कितना समय लगा और आज कितने का काम होता है टोटल, ठीक है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, करता हूँ मैं आपको आगे अपडेट। हाँ जी गाइस, कैसे हैं? तो भाई फाइनली घर पहुंच चुका हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे कस्टमर आएंगे जिनको हम लेके आए हुए हैं भाई इस्कॉन टेम्पल, तो उनको मंदिर से पिक कर वापस उनको जहाँ पे छोड़ना था छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया भाई। आपको बताया था ये अप एंड डाउन की राइड थी मेरी, प्राइवेट बुकिंग थी 3 घंटे की, सुबह 11:30 निकले थे और अभी 2:30 बज रहे हैं तकरीबन, हाँ 2:30 बज रहे हैं। तो कस्टमर को मैंने कर दिया है ड्रॉप, मैं जस्ट अपने घर के बाहर ही खड़ा हूँ। आज ये छोटी सी प्राइवेट बुकिंग थी पर अच्छी थी, मैं ये नहीं कह सकता इससे मुझे कोई नुकसान हुआ, पर जो भी है फ़ायदा ही हुआ, ठीक है। 3 घंटे की राइड थी भाई, तो आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी हमारी इसमें पूरी चली भाई, मैंने आपको 50 बताया था तो गाड़ी चली 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा, 52 किलोमीटर, चलो कोई इशू नहीं है। पर बट आप अभी सोचोगे कस्टमर ने फेयर कितना चार्ज किया, देखो भाई भले ही घर के पास से राइड थी, ठीक है, तो 3 घंटे की राइड थी, तो हमने जो फेयर चार्ज किया भाई वो 1000 रुपये का चार्ज किया, जिसमें अगर हम CNG की बात करें तो भाई हमारी लगभग ना करते भी हमारी 200 रुपये की CNG लगी भाई अप एंड डाउन में, ठीक है। वहाँ पे जाके हम खड़े रह के इधर उधर तो गए नहीं, ठीक है। तो अभी भी कम से कम मेरी गाड़ी में आधा टैंक पड़ा है, 300 रुपये की मैंने गाड़ी में गैस डलवाई थी, तो अभी गाड़ी में इतनी गैस बढ़ी है, अगर मैं फिर से अप एंड डाउन का गेड़ा लगा लूँ उसके बाद ही मेरे पास भाई 3 पॉइंट गैस के बच जाएंगे अभी भी गाड़ी में, ठीक है। तो गाड़ी एवरेज भी बहुत बढ़िया दे गई क्योंकि इतना ट्रैफिक भी नहीं था और हमारा काम भी हो गया। 200 रुपये की गैस लगी, जिसमें हमें भाई आराम से 700 रुपये बच गए, आराम से आज की डेट में 700-750 रुपये बच गए। 3 घंटे में आपको 700 बच के और क्या चाहिए, अगर आप ओला उबर भी चला रहे हो, जितने भाई भी ड्राइवर भाई चला रहे हैं आपको पता है कि अगर अच्छी राइड मिल जाए 3 घंटे में तो इतने का काम हो जाता, अगर नहीं मिले तो इतने का काम भी नहीं हो पाता। ये भाई जो वीडियो जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको पता है, तो कभी कभी तो जैकपॉट लगता है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं घर आ चुका हूँ, अब काम तो कोई नहीं करूँगा क्योंकि भाई काफ़ी दिन हो गए मैं एक्चुअली गाड़ी चला ही नहीं रहा, अगर कोई प्राइवेट बुकिंग आ रही है तो वही कर रहा हूँ अभी, ओला उबर किसी में चला रहा हूँ। उसका कारण रीज़न ये है भाई, क्योंकि पहले मेरी गाड़ी पर टेम्परेरी नंबर था तो टेम्परेरी नंबर पर आइडियाँ चल रही थी, पर अब मेरी गाड़ी का नया नंबर आ चुका है, पक्का प्राइवेट नंबर आ चुका है जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होता है, तो वो लग चुकी है नंबर प्लेट। तो अब जितनी भी आइडियाँ उनके अंदर वो नंबर करना पड़ेगा अपडेट, अब जैसे ही वो नंबर अपडेट होता है ऑनलाइन तो उसके बाद मैं अपनी आईडियो में नंबर अपडेट करूंगा, उसके बाद ही लोकल काम कर पाऊंगा। तो अभी इसलिए प्राइवेट कर रहा हूं क्योंकि अगर कोई कस्टमर गाड़ी बुक करेगा, अभी आईडिया मेरी चल रही है, तो जब वो नंबर देखेंगे गाड़ी का, मेरी गाड़ी के अंदर नंबर तो वो लगा हुआ है जो मुझे नया नंबर अलॉट हुआ है पक्का नंबर, और जो पहले था वो टेम्परेरी नंबर था, तो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट रहेगी कस्टमर को कि भाई कोई फ्रॉड तो नहीं हमारे साथ, कहीं गलत तो नहीं है बंदा आ गया, कहीं किसी और की आईडी तो नहीं चला रहा, तो इस वजह से मेरी आइडियाँ भी ब्लॉक हो सकती हैं। तो इसलिए भाई अभी घर पर ही हैं, हफ्ता हो चुका है। हाँ ये नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा, चाहे घर पर हूँ पर मैं काम कर रहा हूँ भाई, ये टेंशन मत लो कि मैं घर पर बैठा तो बिल्कुल फ्री बैठा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ कि अपने घर का खर्चा बाहर से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आज ये प्राइवेट बुकिंग आई थी ये लगा ली, तो बहुत बढ़िया हो गया। अब देखेंगे अगर शाम को देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत अपना जो साइड बिजनेस जो मैंने रखा हुआ है जो करते हैं वो शाम को देखते हैं भाई, वो निकलेंगे अगर टाइम मिला तो वो करेंगे, नहीं तो फिर कल तो जाएंगे ही जाएंगे, जब तक अब मेरे ये जो नंबर का इशू चल रहा है जो आईडियो का अपडेट होना वो जब तक हल नहीं हो सकता तब तक तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि फ्री मैं बैठ नहीं सकता बिल्कुल भी, काम चाहिए मुझे, ठीक है। तो आज ये छोटा सा व्लॉग था, आई होप आप भी समझ गए होंगे, अच्छा भी लगा होगा आपको। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, अगर कुछ बुरा लगा हो व्लॉग में तो ये भी बताना, ठीक है। 3 घंटे की अर्निंग मैंने आपको बता दी भाई, 1000 रुपये की हुई है, जिसमें हमारी 200-225 रुपये की गैस लगी है। हाँ अगर आपके मन में कोई डाउट हो या कुछ भी क्लियर करना चाहते हो गाड़ी को लेकर, ओला उबर रैपिडो इन ड्राइव को लेकर या प्राइवेट काम को लेकर, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस व्लॉग को आज यहीं करते हैं एंड। तो जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया जल्दी से चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें शेयर करें,
और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।